नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के कारण ही प्रदेश में आपराधिक मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों को कम करने पर विचार कर रही है, साथ ही साथ नए नए तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों में कमी आ सके और मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार की कौन सी तकनीक जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कारगर साबित होती है। बिहार में पहले चरण में जमीन सर्वेक्षण का कार्य जारी है, जिसमें कि गांव में शिविर का गठन कर इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। बता दें कि पहले चरण में 20 जिलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में भी जमीन सर्वे का कार्य शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बता दें कि दूसरे चरण में 18 जिले हैं। इन जिलों में अंचलों के जरिए गाँव के बारे में प्राथमिक जानकारी ली जा रही है। शिविर के गठन के बाद भू सर्वेक्षण से जुड़े कर्मी जमीन पर जाएंगे। दूसरे चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा में सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में जमीन सर्वेक्षण का कार्य 100 अंचलों में होगा। इसमें उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के 50-50 अंचल हैं, जबकि मौजों की संख्या 5100 है। दूसरे चरण के शिविरों की अगर हम बात करें तो 196 शिविरों में इसका गठन किया गया है। साथ ही साथ बंदोबस्त अधिकारी को कहा गया है कि वे ग्रामीण को भूमि सर्वेक्षण की जानकारी दें, उन्हें बताएं कि किन किन कागजातों के आधार पर जमीन पर उनका दावा कायम होगा। इसके लिए प्रचार सामग्री की सॉफ्ट कॉपियां बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजी गई है। स्थानीय स्तर पर फ्लैक्स के जरिए इसे ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा। इसे सरकारी कार्यालयों के परिसर में भी लगाया जा सकेगा, ताकि यहां आने वाले लोग इसे देख सकें। इसके अलावा पोस्टर और पर्चा जारी करने का भी आदेश जारी किया गया है। जमीन का अब जो नया सर्वे होना है, उसमें कर्मचारियों का प्रबंधन 2 स्तर पर किया जा रहा है। पहले चरण में सर्वे में शामिल कर्मियों को जिला के शिविरों में तैनात किया जाएगा। इधर जिलों में विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो, लिपिक अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन आदि के 2500 पद खाली है। इन्हें भरने की कार्रवाई चल रही है। जमीन सर्वे के कार्यों को लेकर बोलते हुए भू परिमाप के निदेशक जय सिंह की माने तो खाली पदों को भरने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। राजस्व अधिकारी को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का प्रभाव दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहें, बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर, निपटारा करने को लेकर काम कर रही है। इसी कड़ी में जमीन सर्वे का काम जो है बिहार में जारी है। शुरुआती अग्रम चरण की बात करें तो 20 जिले हैं जहां की जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अब दूसरे चरण का भी काम जो है वो धीरे धीरे प्रगति पे आने लगा है। इसमें कई कमेटियों के गठन कर लिए गए हैं। साथ ही साथ 18 जिलों का चयन किया गया है, जहाँ पर जमीन सर्वे का काम आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।